हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। तो मैं मोबाइल ऐप से आपको ट्यून करना सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि क्लिप ऑन ट्यूनर से एज अ बिगनर आप गिटार को कैसे ट्यून कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज अ बिगनर ट्यूनिंग आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं गिटार पे, क्योंकि अगर आपकी गिटार की ट्यूनिंग सही नहीं होगी तो कुछ भी आप ठीक से प्ले नहीं कर पाएंगे, कुछ भी आप रिलेट नहीं कर पाएंगे जो भी आप सीख रहे होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ट्यूनिंग आप अच्छे से कर पाए। तो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं और उसमें आपको गिटार ट्यूनर की कई ऐप्स मिल जाएंगी। ऑल्दो मेरे को क्लिप ऑन ट्यूनर ज़्यादा रिलायबल लगते हैं अगर मैं उन्हें कंपेयर करूँ किसी भी ट्यूनिंग ऐप से, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर आप एक क्लिप ऑन ट्यूनर नहीं खरीद सकते तो आप ट्यूनिंग ऐप यूज़ करिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप एक क्लिप ऑन ट्यूनर लेते हैं एज अ बिगनर तो उसमें भी आप सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शन ही यूज़ करिए इस पॉइंट पे। इसमें कई अलग अलग मोड्स होते हैं और जैसे यहाँ पे मेरे पास एक और तरीके का ट्यूनर है जो कि एक क्रोमेटिक ट्यूनर हो जाता है, ये बिगनर्स के लिए इतना अच्छा नहीं रहता। और इसके लिए मैं एक अलग लेसन बनाऊंगा जिसमें कि क्रोमेटिक ट्यूनर कैसे यूज़ करते हैं, क्लिप ऑन ट्यूनर के जो बाकी फंक्शन है उसको कैसे यूज़ करते हैं, और इवन जो इनबिल्ट ट्यूनर होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब एक अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं बहुत ही ईजी और बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा कि गिटार कैसे ट्यून करते हैं। अब गिटार ट्यून करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि कौन सी ट्यूनिंग की पे कौन सी स्ट्रिंग लगी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पतली स्ट्रिंग से। तो जो सबसे पतली स्ट्रिंग है उसकी ट्यूनिंग की ये वाली है, उसके बाद सेकंड स्ट्रिंग जो होती है उसकी ये वाली है ट्यूनिंग की, फिर थर्ड जो होती है उसकी ये वाली होती है। अब कई लोगों को लगता है फोर्थ जो है वो ये होगी, पर ऐसा नहीं होता। फोर्थ जो होती है वो ये वाली होती है। आप इवन अपनी स्ट्रिंग को ट्रेस कर सकते हैं, जब वो हेडस्टॉक में जा रही है तो जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो इस वाली ट्यूनिंग की में आती है, फिर फिफ्थ ये वाली हो गई और उसके बाद सिक्स्थ ये वाली हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये अरेंजमेंट होता है, इसको आप ध्यान रखिए। अब बात करें कि कौन सी स्ट्रिंग कौन से नोट पे ट्यून होती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नोट्स आप यूज करते हैं स्पेशली वेस्टर्न म्यूजिक सीखने में वो सिंपल होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, बस ये इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं उन्हीं को हम यूज करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में भी। तो आप कहीं भी अगर देखेंगे इंटरनेट पे तो यही लैंग्वेज यूज की जाती है, बहुत ही ईजी रहती है और कॉमन लैंग्वेज होती है। तो यहां पे अगर बात करें गिटार की ट्यूनिंग की तो फर्स्ट स्ट्रिंग आपकी होती है ई, सेकंड होती है बी, थर्ड होती है जी, फोर्थ होती है डी, फिफ्थ होती है ए, सिक्स्थ होती है ई। तो यहां पे दो ई हो जाते हैं, एक तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो हाई ई हो गया और जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो लो ई हो गया। इस ट्यूनिंग को हम स्टैंडर्ड ट्यूनिंग भी बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली और फ्रीक्वेंटली यूज गिटार ट्यूनिंग है। इस ट्यूनिंग को याद रखने का जो सबसे इजी तरीका है वो है कि आप एक ही ऑर्डर को फॉलो करिए। आप चाहें तो पतली स्ट्रिंग से मोटी स्ट्रिंग की तरफ याद रख सकते हैं सीक्वेंस, या आप इवन उल्टा कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके ये नोट्स होते हैं जिसपे आप ट्यून करते हैं एक एक स्ट्रिंग को, इसको हम इवन ओपन नोट बोलते हैं। ओपन नोट हो गया बेसिकली जब आप बिना प्रेस किए फ्रेटबोर्ड पे कोई भी स्ट्रिंग प्ले करते हैं तो वो ओपन नोट हो जाता है। कई जगह खाली ओपन नोट ना बोल के एक स्ट्रिंग का नाम लिया जा सकता है, जैसे कि ओपन ई, ओपन बी, ओपन जी, ओपन डी, ओपन ए, ओपन ई। तो ये दोनों तरीके से चीज यूज होती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब बात करें कि आपके गिटार की ट्यूनिंग कैसे होगी तो उसमें आपको एक दो चीजें समझनी है। अब क्योंकि मैं एक बिगनर लेसन की सीरीज बना रहा हूं तो इसमें स्टार्टिंग में आपको मैं बहुत ज्यादा इनडेप्थ इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगा अगर आप उसको टू द पॉइंट ही रखिए तो आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने गिटार की ट्यूनिंग खराब कर लेते हैं। तो मैंने अपना गिटार डी ट्यून कर दिया है, तो चलिए अब अपना गिटार ट्यून करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मोबाइल ऐप से आप कैसे ट्यून कर सकते हैं। तो बहुत ही फेमस ऐप है ये म्यूजिशियन वालों की, गिटार ट्यूनर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ऐप है और बहुत इजी रहता है इसको यूज करना। तो ये आपको iOS में भी मिल जाएगी और Android में भी मिल जाएगी। तो चाहे आप मोबाइल ऐप से ट्यून कर रहे हैं या किसी क्लिप ऑन ट्यूनर या मेट्रोनॉम कम ट्यूनर से ट्यून कर रहे हैं,
इन सब में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिल जाएगी, वो है पॉइंटर। तो ये जो पॉइंटर होता है ये एक तरीके से आपको नेविगेट करता है कि आप कहां पर हैं और आपको कहां पे मूव करना है सही पिच अचीव करने के लिए। तो चलिए इस गिटार को ट्यून करते हैं। सबसे पहले मोबाइल ऐप से, इसमें बस आपको जो ये पॉइंटर है ये सेंटर पे लाना है और आपका जो गिटार है वो आराम से ट्यून हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉइंटर अभी लेफ्ट में है, तो अगर मेरा पॉइंटर लेफ्ट में आ रहा है तो बेसिकली मैं स्ट्रिंग को टाइट करूंगा सेंटर पे लाने के लिए। और फर्स्ट थ्री स्ट्रिंग्स के लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्ट्रिंग को टाइट कर रहे हैं तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, या अगर मैं दूसरी वे में बोलूं तो आपको इसको अंदर की तरफ घुमाना है, तो इससे स्ट्रिंग आपकी टाइट होगी। और अगर आपको लूज करनी है स्ट्रिंग तो आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या आप बाहर की तरफ जो है नॉब को मूव करेंगे। तो चलिए फर्स्ट स्ट्रिंग को ट्यून करते हैं। तो मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, मेरी स्ट्रिंग टाइट हो रही है और आप सुन सकते हैं पिच में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो आराम आराम से आपको घुमाना है नॉब को। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग जो है ट्यून हो गई बहुत आराम से, और इसमें एक आपको जैसे कि एक साउंड भी आती है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है इस ऐप से ट्यून करना। तो चलिए सेकेंड स्ट्रिंग को देखते हैं। तो सेकेंड स्ट्रिंग आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है टू हाई, और जो पॉइंटर है वो राइट हैंड साइड पे है। अब राइट से मेरे को सेंटर पे आना है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि अब आप उल्टा घुमाएंगे, अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या बाहर की तरफ घुमाएंगे, और जो आपकी स्ट्रिंग है वो थोड़ी लूज होती जाएगी और बेसिकली आप जो है सेंटर पे आ पाएंगे। तो ये ट्यून हो गई स्ट्रिंग आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। अब थर्ड स्ट्रिंग देखते हैं। थर्ड स्ट्रिंग भी आराम से ट्यून हो गई। तो फर्स्ट थ्री ट्यूनिंग कीज के एकदम ऑपोजिट वर्क करती है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ट्यूनिंग की, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फोर्थ स्ट्रिंग देखते हैं। तो फोर्थ स्ट्रिंग मेरी टू हाई दिखा रहा है, पॉइंटर जो है राइट साइड में है, तो मेरे को इसको लूज करना है तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। और एक चीज का आप और ध्यान रखिए कि आपको बार बार ऐसे नहीं प्ले करना, एक बार प्ले करके छोड़ दीजिए और साउंड को जाने दीजिए, जैसी साउंड हल्की पड़ी हो फिर से प्ले करिए, उससे आप जो है अच्छे से ट्यून कर पाएंगे गिटार। तो चलिए फिफ्थ स्ट्रिंग देखते हैं एक बार। अब फिफ्थ स्ट्रिंग में पॉइंटर लेफ्ट में आ रहा है और लिखा हुआ आ रहा है टू लो, तो मेरे को स्ट्रिंग को टाइट करना है तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। अब चलिए देखते हैं सिक्स स्ट्रिंग को। तो सिक्स स्ट्रिंग में पॉइंटर राइट की तरफ आ रहा है तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा लूज करने के लिए। तो ये मेरा पूरा गिटार ट्यून हो गया है। अब क्लिप ऑन ट्यूनर की बात करें तो यहां पे 440 हर्ट्ज का मतलब हो जाता है आपकी स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पिच। उसके अलावा आपको कई अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पर क्रोमेटिक मोड है जिसके लिए मैं एक सेपरेट लेसन बनाऊंगा ही। इसके अलावा आपको एक गिटार मोड देखने को मिल जाता है जिससे कि आप अपने गिटार को स्टैंडर्ड ट्यून कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा आपको एक बेस मोड मिल जाता है जिससे कि आप अपना बेस गिटार को ट्यून कर सकते हैं स्टैंडर्ड पिच पे। इसके अलावा आपको एक वॉयलिन मोड मिल जाता है जिससे कि आप वॉयलिन ट्यून कर सकते हैं इजीली। और इसके बाद आपको मिल जाता है एक यूकेलेले मोड जिससे कि आप अपने यूकेलेले को आराम से ट्यून कर सकते हैं। तो एज अ बिगनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने ट्यूनर को गिटार मोड में ही यूज करिए, क्रोमेटिक मोड में अभी मत यूज करिए क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। और गिटार मोड में आप यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा ट्यून करना, और सेम आपको जो है पॉइंटर को फॉलो करना है। अगर आपका पॉइंटर लेफ्ट में है तो आपको स्ट्रिंग को टाइट करना है और सेंटर में लाना है, और अगर आपका पॉइंटर राइट में है तो आपको स्ट्रिंग को लूज करना है और सेंटर में लाना है। एक चीज का ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है स्ट्रिंग टूट सकती है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी स्ट्रिंग टूट सकती है ट्यून करते वक्त, क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की वजह से ऐसा हो जाता है कि ज्यादा टाइट हो जाती है स्ट्रिंग जिस वजह से टूट जाती है। तो आप कुछ स्पेयर स्ट्रिंग्स रख सकते हैं, मार्केट में आपको आराम से स्पेयर स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्यूनिंग सीखने से पहले ही आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग जो है
वो एक या दो पीसेस स्पेयर रखिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही हो। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो कमेंट करिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।